ये हमारे क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक नंबर है 11.5। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन, एक लाइन को वेक्टर इक्वेशन में कैसे लिखते हैं 3D में, और उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर हमने देखा उनके बीच में एंगल की क्या शर्तें होती हैं, और वो परपेंडिकुलर हैं तो क्या शर्तें होती हैं, और पैरेलल है तो क्या शर्तें होती है, और उनके बीच में एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। और एंगल भी हमें ऐसे दे सकता है कि वेक्टर फॉर्म में दे देगा तो उसके लिए क्या सूत्र है, और जब कार्टेशियन फॉर्म दे देगा तो उसके लिए क्या सूत्र है। तो ये सब आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइनों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कहाँ होता है। कहता है कि इफ़ टू लाइन इन ए स्पेस, अगर दो लाइनें एक स्पेस में हैं तो इंटरसेक्ट ए पॉइंट, तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो देन द शॉर्टेस्ट बिटवीन देम इज जीरो, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। आल्सो इफ टू लाइन इन स्पेस आर पैरेलल, तो देन द शॉर्टेस्ट बिटवीन देम विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द वन लाइन ऑन टू द अदर लाइन, तो हम एक लाइन के किसी बिंदु से दूसरे लाइन के बिंदु को मिलाएंगे तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। फर्दर इसके अलावा इन ए स्पेस, एक स्पेस में देयर आर लाइन विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, कुछ ऐसे लाइनें होती हैं स्पेस में जो ना तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और ना वो पैरेलल होती हैं। इनफैक्ट सच लाइन, सच पेयर ऑफ लाइन आर नॉन कोप्लैनर, इसीलिए इन्हें नॉन कोप्लैनर बोलते हैं, यानी नॉन कोप्लैनर, इसका मतलब होता है अलग अलग प्लेन में बने वेक्टर, एंड इन्हीं को बोलते हैं स्क्यू लाइन। अब देखो स्क्यू लाइन क्या होता है, मैं समझाता हूँ। मान लो ये एक दीवार है और इसी के बगल में ये दीवार है, तो एक वेक्टर इस दीवार पे बना है और एक वेक्टर इस दीवार पे बना है, तो ये दोनों ना तो पैरेलल होंगे और ना आगे बढ़ाने पे कटेंगे, क्योंकि हो सकता है ये ऊपर जा रहा हो तो नीचे जा रहा हो, तो ना तो भी इंटरसेक्ट करेंगे और ना ये पैरेलल होंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्लेन में है, अलग अलग दीवार पर है। तो जब दो वेक्टर अलग अलग प्लेन अलग अलग दीवार पर होते हैं स्पेस में, तो ऐसे वेक्टर ना तो इंटरसेक्ट करते हैं और ना एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऐसे वेक्टरों को कहा जाता है स्क्यू लाइन, सही है। तो एग्जांपल के लिए लेट अस कंसीडर ए रूम, मान लो ये रूम है, उसका साइज है 132 यूनिट अलोंग एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड से ऐसे ऐसे इन्होंने बता रखा है चित्र में, तो फिगर में यहाँ दिख रहा है कि दो लाइनें भी दिख रही हैं। आगे पढ़ते हैं, द लाइन जी ई दैट गोज डायगनली अक्रॉस द सीलिंग, तो एक लाइन दिख रहा है जी जो डायगनली जा रहा है, विकर्ण के रूप में जा रहा है सीलिंग, छत से होके जा रहा है, तो देखो यहाँ चित्र में ऐसे जा रहा है, देखो एक लाइन ऐसे छत से जा रहा है, जी है ना, ये छत है एक तरह से, कमरे का छत है, तो एक लाइन छत से जा रहा है। और आगे देखो क्या लिखा है कि द लाइन डी बी, और एक लाइन है डी बी पासिंग थ्रू द वन कॉर्नर ऑफ द सीलिंग डायरेक्टली अबो ए एंड गोज डायगनली डाउन द वॉल, तो यानी दूसरे दीवार से जा रहा है। अब एक ये छत वाली दीवार है और ये भी एक सामने वाली दीवार है, तो सामने वाली दीवार के इस छत के कोने से ऐसे जा रहा है और वो भी डायगनल जा रहा है। अब दिमाग लगाओगे तो ये लाइन छत पे पड़ी है, यानी एक छत पे डंडा पड़ा है और ये दीवार के साथ ऐसे डंडा पड़ा है, तो ये दोनों जो लाइनें हैं पैरेलल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लग भी रही हैं, लेकिन ये दोनों एक ही स्पेस में नहीं है जो पैरेलल हैं और ना ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसी लाइनों को जो ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना पैरेलल है, ऐसी ही दो लाइनों को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन, क्योंकि अलग अलग प्लेन में है, समझे थोड़ा बहुत, इनको स्क्यू लाइन बोलते हैं। दीज लाइन्स आर स्क्यू, ये लाइन स्क्यू होती हैं, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट पैरेलल एंड आल्सो नेवर मीट, यानी ये ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं ना ही दूसरे को कभी मिलेंगे। तो बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन वी मीन द जॉइंट ऑफ ए पॉइंट इन वन लाइन विद वन पॉइंट ऑन द अदर लाइन, तो हम दो लाइनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट होगा और इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट होगा, और उनके बीच के सबसे छोटे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दैट द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सो ऑब्टेन इज स्मॉलेस्ट, तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी सबसे छोटी होगी, तब ये बनेगा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो फॉर स्क्यू लाइन द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, तो स्क्यू लाइन जो होगी ना
और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों पे। अगर हम दो लाइनों की बात करें जो अलग अलग प्लेन में है, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होगा, ये बात ध्यान रखना है। सही है। अब यहाँ से बताया गया है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, तो पहले अभी आपको स्क्यू लाइन समझाया गया, उनके बीच में अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है। तो यहाँ पे ये सब पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको सीधा ना फॉर्मूला ही याद करना है, इसमें ज़्यादा सीखने में बहुत समय लग जाएगा। वी नाउ डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इन फॉलोइंग वे। अगर हम चाहते हैं याद करना दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमें ये कुछ निम्नलिखित तरीके अपनाने हैं। लेट कर लेंगे L1 एंड L2 भी टू स्क्यू लाइन, मान लेंगे दो स्क्यू लाइन है, एक का नाम है L1 L2 और दोनों की इक्वेशन क्या है, मान लो पहले लाइन की इक्वेशन है R वेक्टर बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरा है R बराबर A2 प्लस म्यू B2, ये लैम्डा है ये म्यू है। अगला है टेक एनी पॉइंट S ऑन L1। देखो हमने यहाँ चित्र में L1 के ऊपर एक पॉइंट क्या लिया है, S लिया है यहाँ पर। टेक एनी पॉइंट एस ऑन लाइन L1 विद पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर, तो इसका पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर मान लो, एंड टी ऑन द लाइन टू पोजिशन वैक्टर A2, तो ये हो जाएगा A1 और ये क्या जाएगा ओरिजिन से कहीं मिलाएंगे तो ये A1 A2 पॉइंट मिलेंगे। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वैक्टर विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ST अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना, तो हमें कह रहा है कि हम प्रोजेक्शन खींचेंगे S से T वाला प्रोजेक्शन खींचेंगे, यानी हम इसका S और T का प्रोजेक्शन खींचेंगे तो वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा। तो इफ़ PQ, हम मान लेते हैं कि जो PQ है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन L1 एंड L2, तो ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो पता चल जाएगी जब हम इन दोनों का पोजिशन वो निकालेंगे ना प्रोजेक्शन, तो वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा। तो L1 एंड L2 देन इट बीइंग परपेंडिकुलर टू बोथ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर आएंगी जो कि लाइन 1 और लाइन 2 पर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगी B1 एंड B2 पर। तो यूनिट वेक्टर n कैप अलोंग PQ, तो PQ का एक यूनिट वेक्टर चाहते हो एक वेक्टर, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या लोगे, इस लाइन का डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन, यानी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और डिवाइड इनके मैग्नीट्यूड, तो ये आपको मिल जाएगा ये n कैप। और हमें इसकी पूरी लंबाई चाहिए, तो अभी ये एक यूनिट निकालने के लिए सूत्र था, तो मान लो ये 2 है या 3 है या 4 है, कितने यूनिट है, उसके लिए हम ये d से गुना कर देंगे। तो हमने यहाँ पे PQ यानी इस वेक्टर को गुना कर दिया dn कैप। n कैप होता है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सही है, का डिस्टेंस, यूनिट वेक्टर का डिस्टेंस, जहाँ पे d इज द मैग्नीट्यूड, d ना मैग्नीट्यूड है ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर, जो छोटे डिस्टेंस। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द ST एंड PQ, तो ST और PQ ये आगे जाके कहीं मिलते होंगे, तो इनके बीच का हम एंगल निकालेंगे, तो एंगल मिलेगा कि PQ बराबर ST और मल्टीप्लाई cos थीटा। अब cos चाहिए तो ये कहाँ, अब cos थीटा चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, दो लाइनों के बीच का एंगल, तो हमने अभी पढ़ा था कि इसका ले लेंगे B1 वेक्टर, इसका B2 वेक्टर और डिवाइड में इनके मैग्नीट्यूड। तो PQ का मान अभी यहाँ निकाला था DN, वो यहाँ रख देंगे। ST का मान अगर हमें ST का वो चाहिए ना डायरेक्शन, तो हमें ST का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो ये आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है। दो पॉइंट से कोई लाइन जा रही है उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। तो हमने PQ का डायरेक्शन रेशियो DN निकाला था, इसका डायरेक्शन रेशियो ये निकाला था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो अब इसी को थोड़ा सा अरेंज वरेंज करने से आप पाओगे कि जो ST है ये A2 माइनस A1 है, यानी ये यहाँ पे हमने लिखा है ST। फिर उसके बाद ना ये जो D और N को हटाओगे तो इन दोनों की जगह पे आ जाएगा B1 और क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 और ये A2 माइनस A1 और डिवाइड में ST और ये D होगा इनका मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब आगे पढ़ोगे यहाँ से, तो हैंस द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा D बराबर में PQ, यानी ये जो चित्र में PQ दिख रहा है ये छोटा डिस्टेंस है, तो ये होगा आपका ST cos
थीटा का मैग्नीट्यूड, यानी इस एस टी और कोस थीटा मैग्नीट्यूड, ये ना प्रोजेक्शन वाला वेक्टर है इसलिए। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस ये बनेगा बी वन क्रॉस बी टू का डॉट प्रोडक्ट ए टू माइनस ए वन और डिवाइड में बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ये आपको याद करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तुम्हें दो लाइन दिया होगा, दो लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस सूत्र से निकाला जाता है। अगला ये सूत्र तब लेना है जब ना तुम्हें दोनों लाइनों का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, यानी आर वन बराबर ऐसे दिया होगा ए वन वैक्टर प्लस लेमडा बी वन और आर टू बराबर ए टू वैक्टर और प्लस म्यू बी टू वैक्टर, ठीक है, तब ये सूत्र लेना। अगर कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए तो ये वाला सूत्र याद करना है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो आपको दो कार्टेशियन फॉर्म ही देगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन और जेड माइनस जेड अपॉन सी वन, यहाँ बीच में बराबर निशान, ऐसे दूसरा दे देगा। अगर हमें ना इन दोनों लाइनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का कि वो जो डिटर्मिनेंट का निशान, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, फिर पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरी लाइन का, फिर जो नीचे लिखा होता है ना ए वन बी वन सी वन, ये डायरेक्शन रेशियो है और ये भी ए टू बी टू सी टू डायरेक्शन रेशियो है का डिटर्मिनेंट, और डिवाइड दे देंगे इनका क्रॉस, पहले इसको छोड़ देंगे इनका क्रॉस बी वन सी टू ये लिखा और घटा बी टू सी वन, फिर प्लस अब ये छोड़ दोगे तो सी वन ए टू, पहले यहाँ से सी वन ए टू और फिर घटा सी टू ए वन, याद रखना, ठीक है, और फिर प्लस ये वाली लाइन छोड़ दोगे तो इनका क्रॉस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो यहाँ पर ये याद करना है, बीच वाला ही बस याद करना है। देखो ये पहले वाला ढक देते हैं तो इनका क्रॉस का माइनस, तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन लिखा है का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, और फिर प्लस अब तुम ये बीच वाला ढकोगे ना तो क्रॉस प्रोडक्ट ए वन सी टू नहीं लोगे, पहले सी वन ए टू लोगे और फिर आपको सी टू ए वन लेना है, सही है, तो सी वन ए टू फिर सी टू ए वन माइनस करके होल स्क्वायर, और फिर तीसरा ढकोगे तो सीधा इसको ऐसे ही लेना है ए वन बी टू माइनस ए टू सी वन। तो ऐसा इसलिए लेना है क्योंकि जो फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता था वो अंदर चला गया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो बस ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे याद करना है, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालना सीखते हैं।